आओ चले महिलाओं को सम्मानित करें। आज वह दिन है जो महिला दिवस के रूप में देखी जा रही है। आज महिला दिवस पर सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। यही महिलाएं माँ बेटी बहन ये सब पवित्र बंधन के रिश्ते हैं और सभी महिलाओं को एक रिश्ते के रूप में सम्मानित करना चाहिए। यह महिला दिवस पर महिलाओं को हार्दिक शुभकामनाएं। आओ चले नई दिशा नई उमंग के साथ। मैं सोते जागते देश की तरक्की के बारे में सोचता हूँ। क्या आप भी देश की शक्तिशाली मजबूती के साथ चलना चाहते हैं? तो आइए देश के फौजियों को नमन सलूट अभिनंदन करते हैं। यह देश के रक्षा सुरक्षा करने वाले फौजियों को समर्पित है। नमस्कार, मैं हूं लालचंद सोनी। आज सुबह टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। आपको यह फुटेज दिखा रहा हूं नॉर्थ दिल्ली आदर्श गांव गोपालपुर का। यह फुटेज आप देख रहे हैं, किसी भी आप समझ सकते हैं कि दिल्ली जल बोर्ड की सुधार के लिए लगातार विभिन्न एरिया में कार्य तेजी से चल रहा है। वहीं पर खुदाई भी गहरी गहरी हो रही है, दिल्ली जल बोर्ड की खुदाई, और अनेक जगहों पर गलियों में भी खुदाई लगातार देखी जा सकती है। पानी की सुख सुविधाओं के लिए, सीवर की सुख सुविधाओं के लिए बड़े तेजी के साथ कार्य चल रही है और वहीं पर दिल्ली जल बोर्ड की भी तेजी के साथ कार्य चल रही है। आपको बताते चलूं कि आदर्श गांव गोपालपुर में आप देख सकते हैं कि यहां पर तेजी के साथ लोगों के घरों में पानी की सुख सुविधाओं के लिए या कनेक्शन तेजी के साथ किया जा रहा है। और यह आप देख सकते हैं यहां पर मजदूर लगातार लगे हुए हैं। या फुटेज आप आदर्श गांव गोपालपुर 1617 नंबर गली का आपको दिखा रहा हूं कि अब लगातार लोगों को पानी की सुविधा के लिए आज जो है कर्मचारी और मजदूर लगे हुए हैं और लगातार लोगों के घरों में आज जो है सुख सुविधाओं के लिए कनेक्शन कर रहे हैं। पानी स्वच्छ हो, सुंदर हो और अच्छी जो है क्वालिटी का पानी मिले, इसके साथ लोग जो है अब दिल्ली जल बोर्ड का पानी पीने के लिए, और जिस तरह से आप देख रहे हैं कनेक्शन चल रहा है, मजदूर लगे हुए हैं, विभिन्न जो है घरों में कनेक्शन चालू है और यह चालू उसी पाइपलाइन में करेंगे जो पुराने चल रहे थे। तो आप देख रहे हैं नया कनेक्शन, नई रुतबा, नई दृष्टि के साथ लोगों के पानी की सुख सुविधाओं का, स्वच्छता के लिए पीने वाला पानी, दिल्ली जल बोर्ड की कनेक्शन हर घरों में, हर गली में आप देख रहे हैं यह चालू हो रहा है। वहीं पर आज 9 मार्च है और जेसीबी मेन रोड पर शुक्र बाज़ार बरातघर के पास में खुदाई हो रही थी। जेसीबी से खुदाई हो रही थी कि दिल्ली जल बोर्ड की पाइप जेसीबी खुदाई करने वाली उस पाइप में जो है लग गई और वह काफ़ी तेज़ी के साथ पानी घंटों तक बहता रहा। पानी बहने से लगभग गड्ढा डबा डब भर गया और एक मजदूर जो है पानी रोकने की मशक्क़त करता हुआ देखा जा सकता है। जब तक पानी की पाइप बंद नहीं हुई तब तक पानी गहरे गड्ढे में भरता रहा। यह देखकर सभी लोग जो है चिंतित होने लगे और स्थानीय निवासी लोग कहने लगे, वह कुछ लोगों का यही रुझान रहा कि पानी की कितनी बर्बादी हो रही है। वहीं पर यह भी देखा गया कि पानी को देखते हुए चिंता जाहिर कर रहे थे कि आज गांव में पानी नहीं मिलेगी। तो यह बहुत सारी जो है लोगों का सोच देखा गया और लोगों का जो रुझान रहा वह भी देखा गया। तो आइए हम सब चलते हैं आज जो है दिल्ली जल बोर्ड की, जिस तरह से आप कामयाबी देख रहे हैं कि स्वच्छ पानी देने के लिए, सुंदर पानी देने के लिए आज जो है सरकार इस पर प्रयास कर रही है और दिल्ली के अनेक जगहों में दिल्ली बोर्ड की सुधार लगातार देखी जा रही है। अब सभी को तेज़ी के साथ घरों में पानी मिलने की, स्वच्छ पानी बूंद बूंद की जिस तरह से कीमत होती है, इसका महत्व मानव के लिए कितना महत्व है जल, आज उसी को देखते हुए आज जल संरक्षित करना चाहिए, जल को बचाना चाहिए, जल की हमेशा महत्व देना चाहिए। जल ही मेरा जीवन है और सभी इसके जीवन, पानी के बगैर कोई नहीं रह सकता है, इसलिए पानी का महत्व दें, पानी को बचाएं, पानी को फालतू न फेंकें और पानी हमारे लिए कितना महत्व है इसके लिए आप हमेशा सोचें और समझें। यह फुटेज आप लगातार देख रहे हैं
आज 9 मार्च है और आज का आपको सीन दिखा रहा हूँ। और शुक्र बाज़ार जहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है खुदाई लगातार 2-3 महीने से हो रही है और धीरे धीरे जो है आप आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ पर कार्यभार भी तेज़ी के साथ देखी जा रही है। वहीं पर जेसीबी की खुदाई होने से जो है यह पाइप फट गया और आपको बताते चलूं कि काफ़ी देर तक पानी यहाँ पर बहता रहा, लोगों का जमावड़ा रहा, लोग जो है देखते रहे। कुछ लोगों का चिंताजनक बनी हुई थी कि पानी जिस तरह से भर रहा है या कितना जो है बर्बाद हो रही है पानी। और दिल्ली जल बोर्ड का वहीं पर कुछ लोगों का रुझान रहा कि आज शायद गोपालपुर वालों को पानी नहीं मिलेगी, इससे चिंताजनक बनी हुई थी। और आज जो है कितनी जो है मुशक्क़त के साथ एक मज़दूर पानी रोकने का प्रयास कर रहा था और जब तक पानी बंद नहीं हुआ तब तक जो है पानी गड्ढे में भरता रहा। तो यह पानी की बर्बादी आप देख रहे हैं, ऐसे बहुत सारे पानी बर्बाद होते हैं दिल्ली में जो कि सभी को चिंताजनक होना चाहिए और सभी को चिंता होने की ज़रूरत है। अगर सुख सुविधाओं के लिए हम एक दूसरे की सुख सुविधाओं की बात करें तो दुख दर्द में साथ देना चाहिए। तो ये है आज के दिल्ली जल बोर्ड की कनेक्शन का जिस तरह से विस्तार रूप से कार्य हो रही है, लगातार विस्थापित किया जा रहा है नया कनेक्शन स्वच्छ पानी स्वच्छ जल के अंतर्गत। लगातार जो है मरम्मत चल रही है, लगातार कार्य चल रहे हैं, लोगों के घरों में पानी की सुख सुविधा पहुंचाई जा रही है और तेज़ी के साथ पानी अब जो है पहुंचेगी। और कुछ लोगों का कहना था कि 1-2 मंजिला तक पहुँच रही है और प्रेशर की वजह से, क्योंकि पुराने वाले पाइपलाइन में प्रेशर नहीं होती थी और आज जो है देखा जा रहा है कि प्रेशर की सुख सुविधाओं के लिए आज इस तरह की सरकार जो है प्रतिबंध है और लोगों को बताना चाहती है। और जो है इससे अगर यदि दिल्ली जल बोर्ड का पानी प्रेशर अत्यधिक मात्रा में रहेगा तो लोगों का बिजली की बचत होगी और मोटर कम चलेगा और जो है तुरंत जो है टंकी भर जाएगी या बहुत सारी जो है खुशियां जिस तरह से देखी जा रही है आज नगर वासियों में बसी हुई है। तो ये सब सुख सुविधा होनी चाहिए, जिस तरह से पानी की प्रेशर हाई लेवल पे अगर रहेगा तो वह जल्द से जल्द टंकी भर जाएगी और बिजली की काफ़ी बचत होगी। यह सब जो है सुख सुविधा का जो आज इंजीनियरिंग चल रहा है बड़ी अच्छी बात के साथ, अच्छी कार्य के साथ यह कार्य हो रही है। लेकिन मेन रोड पर आपको बता दूं कि मेन रोड पर काफ़ी महीना लग सकता है कार्य भार देखते हुए, क्योंकि धीरे धीरे जिस तरह से खुदाई का आगे कदम बढ़ रहा है या कार्य तो तेज़ी के साथ हो रहा है लेकिन जो है काफ़ी समय लगता है क्योंकि वहाँ पे जो है ईंटा बिठाना, उसके बाद ऊंचे ऊंचे वो करना, बहुत सारी जो है कार्य विधियाँ होती है, गड्ढा खोदकर फिर आगे बढ़ना, तो काफ़ी लंबा चल सकता है। तो इसलिए लगातार लोगों को आने जाने में भी काफ़ी परेशानी हो रही है, जिससे कि गाड़ी मोटर पैदल, यहाँ तक कि पैदल चलने वाले भी काफ़ी परेशान हो रहे हैं। तो ये है गोपालपुर दिल्ली की हालात पर मैंने आज का संस्कार देखा, आज का जो है संस्करण तैयार किया, वीडियो तैयार किया और आप तक का पहुंचा रहा हूं। हमारे वीडियो आप देखते रहिए, लगातार शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए और फिर आपसे किसी मुद्दे के साथ मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल, परिवार और देश का ख्याल रखें, यही हमारे धन है। और महिलाओं का सम्मान करें, महिला दिवस के रूप में मनाएं हर दिन, और महिला हमारी सब कुछ हैं, महिला इज्जत है, महिला सम्मान है, महिला संस्कार है, महिला ही मेरी परंपरा है। तो हम सब महिलाओं का सम्मान करें और हम सब जल बचाएं, जीवन बचाएं और हर एक व्यक्ति का सोच डेवलप करें और शिक्षा के प्रति आगे बढ़ें। फिर आपसे किसी मुद्दे के साथ मिलेंगे,
तब तक अपना ख्याल, परिवार और देश का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।